नमस्कार, आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं या मैथ्स के क्लासेस में। और अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट है। कॉफी कलम निकाल के बैठिएगा बच्चों, अभी मेरा मूड बहुत गर्म है क्योंकि मैं अभी देख कुछ ही चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम और कपिल जी, हमारे जो एडिटर्स हैं, कि सर इन लोग कुछ भी नहीं पढ़ा के इतना सब्सक्राइबर कर लिए हैं, तो आप तो नौ नौ क्वेश्चन, दस दस क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं एक एक टाइप का। तो मैं उन सभी टीचरों को, भाई साहब मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूं, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बच्चों को मेहनत से पढ़ा रहा हूं, बस मैं ये बात कह रहा हूं, मैं कुछ आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा रहा हूं। इससे आगे आपकी नुकसान होगी या फायदा होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बच्चों के साथ 100 में 100% ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं। एक टाइप का एक क्वेश्चन बच्चों याद कर लो यार, मैथमेटिक्स की ऐसी की तैसी कर दे रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स को तोड़ दे रहा हूं, एक एक बटन को तोड़ दे रहा हूं, फिर से जोड़ दे रहा हूं, आपको इतनी समझ में आएगी, आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि मैं वो बंदा हूं। अगर विश्वास नहीं होता है तो किसी भी जो कम जानकार बच्चे हैं उनको एक वीडियो दिखाइए और बोलिए पढ़िए, पहले वो इंटरेस्टेड नहीं है, मैथमेटिक्स से इंटरेस्टेड नहीं, तब भी उनको पढ़ने बोलिए, तब उनको समझ में आएगा कि नहीं एक ऐसा सर मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन शिक्षकों को बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बच्चों देखिए जो नथिंग कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है यार, एक एक क्वेश्चन पढ़ा रहा है यार, उनके पास इतने, और हम लोग तो एक एक क्वेश्चन की तोड़ मरोड़ कर दे रहे हैं, नौ नौ क्वेश्चन, दस दस क्वेश्चन। अगर वो टाइप का क्वेश्चन मैं यहां पे करवाया हूं तो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आने चाहिए कि इसका आंसर ये होगा, क्योंकि एक ऐसा सर ने मुझे बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया है। और एक एक वीडियो को अभी तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी लगभग 20वीं 25वीं वीडियो है, मजबूरन आपको बढ़िया पढ़ना है, बढ़िया से जानना है, मैथ्स को सीखना है, तो इसको बेहतर तरीके से अपने दोस्तों को पहुंचाइए और उनको बताइए। अगर आपको लगता है कि हमने कल क्या बताया था, यदि हनुमान जी को मानते हैं कि वह हनुमान जी है, गॉड को मानते हैं, गॉड है, अल्लाह को मानते हैं, आपने उसके ऊपर क्या किया, विश्वास किया, तो आप मेरे ऊपर विश्वास कर लो यार, 100 में 100% गारंटी देता हूं मैथमेटिक्स सिखाने की, 100 में 100% गारंटी लेता हूं मैथमेटिक्स सिखाने की, और वो ऑफलाइन नहीं, अपने सामने नहीं, अपने वीडियो से सिखा दूंगा मैं। अगर नहीं सीखा तो कमेंट में गाली देना, मैं इतना भी कह दे रहा हूं यार, अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सीख पाए, कमेंट में गाली देना कि यू आर चीटर, आपने गलत कर दिया, आपका वीडियो देख के झूठ में टाइम को बर्बाद कर दिया, तो ये फालतू मैं नहीं कर रहा हूं, ये दिल से बंदा बोलता है यार और दिल से काम कर रहा हूं। तो अभी मैंने जितने वीडियो बनाया यार, एक एक टाइप में नौ नौ क्वेश्चन, गधों को भी शिक्षा हो जाएगी, ये मजाक नहीं है यार। तो क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मूड गर्म है तो क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि गलत चीज मुझे बर्दाश्त होती नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, तो मैं बताना चाहूंगा बेहतर तरीके से क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कीजिए। जब वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रसंग का संख्यात्मक मान समान हो, मतलब क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन ये कहेगा कि क्रय मूल्य जितना है उतना ही लाभ प्रसंग है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बच्चे लोग छोड़ के आ जाते हैं, करके नहीं आ पाते हैं। बेटा हलवा है हलवा, अभी कैसे वो मैं बताऊंगा, देख के आंसर बताओगे यार, देख के क्वेश्चंस को देखा ना आंसर बताओगे कैसे। लेकिन सभी बच्चे लोग पहले बोलेंगे कि सर इसे बेसिक से कैसे जानेंगे, बिल्कुल जानिए। सबसे पहले आप सभी बच्चे लोग मुझे बताओ कि व्हाट मींस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, हमने किसी को 500 रुपये में खरीदा, हमने किसी को 500 रुपये में खरीदा और 500 में खरीद कर मैंने उसे 20% लाभ पर बेच दिया, कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ पर बेच दिया, तो हमने लाभ वहां पे कितना होगा, तो तुरंत हम लोग निकालते हैं कि लाभ कितना होगा भाई, तो हम लोग निकालते हैं 500 × 20/100, ये दो जीरो से ये दो जीरो काटते हैं और 20 को 5 से गुणा कर देते हैं, 100 रुपया निकल गया। तो ये 500 का क्या है, 500 क्रय मूल्य है, 20% आपका क्या है, 20% आपका प्रॉफिट परसेंट है। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, प्रॉफिट बराबर होता है सीपी का प्रॉफिट परसेंट, सीपी का प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देंगे, सीपी का प्रॉफिट परसेंट, माफी चाहूंगा थोड़ा मैं पानी पी लूं बच्चों, गुस्सा से लाल हूं। तो ये लाइन लिख के रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं सीपी का प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर। अब सवाल आपको क्या कह रहा है, पहले सवाल को समझिए तभी सॉल्यूशंस को समझ पाइएगा।
क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु को मैंने 24 रुपए में बेच दिया, किसी वस्तु को हमने 24 रुपया में बेच दिया, जब 24 रुपया में हमने बेच दिया तो उस वस्तु पर उतना परसेंट का लाभ होता है, उतना परसेंट का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब अगर 40 रुपया है सीपी तो 40% का ही लाभ होगा, 50 रुपया है सीपी तो 50% का ही लाभ होगा। संख्यात्मक मान समान हो, कितना बेहतर तरीके से, संख्यात्मक मतलब सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट, जितना क्रय मूल्य उतना लाभ परसेंट। तो यहां पर देखिएगा, एकदम बेसिक से लिख लीजिए, माना सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एक्स, मान लिया एकदम। मैंने बोला देख के आंसर बताइएगा वो कैसे, लेकिन तू रुकिन, ये भी बच्चे को सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक अच्छी होगी, खुद ब खुद टिक्स निकालिएगा, और टिक्स भी मेरा चोरी हुआ टिक्स नहीं होती है, बेहतर टिक्स होती है, मेहनत करके अपना टिक्स बनाता हूं। अभी देखिएगा क्वेश्चंस कैसे आंसर होगी, आंसर पहले बता दूं क्या, नहीं इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। देखिए इधर बाहुबली 3 का ट्रेलर दिखा रहा है, फिल्म नहीं, फिल्म तो बन रहा है ना, तो उसी तरह भी दिखा दूंगा मजा नहीं आएगा ना, इसलिए बेहतर तरीके से देखिए, नजर यहां पे रखिए, सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एक्स, क्वेश्चन में दिया है विक्रय मूल्य बराबर, हम लोग लिख सकते हैं सीपी प्लस एसपी, बराबर हम लोग लिख सकते हैं सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी हमारी कितनी है नहीं पता, सीपी हमारी एक्स है, प्रॉफिट बराबर मैंने लिखा था यहां पे, प्रॉफिट बराबर मैंने लिखा था सीपी का प्रॉफिट परसेंट, एक्स का एक्स परसेंट, एसपी बराबर कितना है 24 है। बेटा मार्कर चेंज कर रहे हैं, देख लीजिएगा इधर 24 बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बंगाल की खाड़ी तक क्वेश्चन जाएगी, देखिएगा ना भी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, इसलिए मैं यहां पे सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखते जाइएगा, यहां से मैं यहां आ गया हूं, नजर के अपना इधर उधर नहीं, यहां ध्यान दीजिए, एक और 100 का एलसीएम, एक और 100 का एलसीएम हो जाएगा 100, हमारे महान बच्चे लोग, एक और 100 का एलसीएम 100 होता है, ठीक है, एक से भागा देंगे 100 को, 100 बार में 100 से एक्स में गुना करेंगे 100x होगा, 100x प्लस एक्स स्क्वायर 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 100x बराबर 2400। अब आपको मैंने पहले भी बोला था बंगाल की खाड़ी तक जाने वाला है क्वेश्चन, ये माइनस 2400 इक्वल टू 0, फिर यहां नहीं बनेगा, फिर यहां पर देखिएगा इधर जा रहा हूं मैं। अब हम लोगों ने 8-9 क्लास में क्वेश्चंस पढ़ा था, बीच वाली इसे हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं, इसको हम लोग ऐसी संख्या में तोड़िए, इसको हम लोग ऐसी संख्या में तोड़िए, सही है यहां पर देख लेंगे, सही है बिल्कुल, यहां पर गलती हुई, देखिए ना वही मुझे लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 100x, अब 100 को ऐसी दो संख्या में तोड़िए जो गुना करने पर माइनस 2400 दे और जोड़ने या घटाने पर 100 दे, तो क्या आप सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं आप, 120 और 20 ही सोच सकते हैं, क्योंकि 120 में अगर हम 20 घटा देंगे तो 100 होगा, और 120 में अगर हम लोग 20 से गुना कर देंगे तो 2400 होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0, एक्स एक्स प्लस 120 माइनस 20, मैं फिर बताना चाहूंगा, क्वेश्चन को देख के बताऊंगा मैं भी, लेकिन हड़बड़ाइएगा नहीं, पहले सीख लीजिए, एक्स माइनस 20 बराबर एक्स प्लस 120 बराबर 0, तो यहां पर एक बार एक्स का मान निकलेगा, एक्स माइनस 20 बराबर 0 तो एक्स का मान निकलेगा 20, और एक बार एक्स बराबर निकलेगा माइनस 120। ये नहीं लेना है, नेग्लेक्टेड कर देना है, क्वाड्रेटिक इसको नहीं मानता है, श्रीधराचार्य ने कहा था नकारात्मक को नहीं लीजिएगा, तो यहां पर हम लोग पॉजिटिव वाले को लेंगे, तो कहने का मतलब हमारा आंसर क्या आता है, 20 आता है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी वाले बच्चों ध्यान दीजिए, ये सॉल्यूशन जिनको देखना है कॉपी करना है कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कॉम्पिटिशंस में इतना बेसिक जानना कोई जरूरी नहीं था, आप लोग मेंस नहीं लिख रहे हैं, अगर मेंस लिखना होगा तो ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब इसका आंसर देखिए हम लोग देख के कैसे बनाएंगे, सो हम लोग देख के अगर बनाना हो तो मैं बता रहा हूं, नोट लिखिए, कॉपी निकाले है ना, नोट लिखिए, लिखिए जब, मैं भी लिख दे रहा हूं, लिखिएगा जब, लिखिए जब सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट हो, एकदम डाटा फिक्स है, जब सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट हो और विक्रय मूल्य दिया गया हो,
और विक्रय मूल्य दिया गया हो, यहां पर दिया गया 24, यहां पर दिया गया 24, ठीक है, यहां पर दिया गया 24। अब बेहतर तरीके से देख लीजिएगा, एक इसका ट्रिक्स मार्केट में चलता है, लिख देता हूं वो भी, लेकिन उससे भी बेहतर मैं बताऊंगा। एक इसका ट्रिक्स चलता है, सीपी बराबर 10 गुना रूट अंडर 25 प्लस एसपी माइनस 50, ये चलता है। ये बच्चे लोग किसी किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे तो ये वो ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक्स पर भी अगर हल करेंगे तो भी आंसर सही आता है, कोई गलत ट्रिक्स नहीं है, अच्छी ट्रिक्स है। 25 प्लस विक्रय मूल्य अगर यहां पर है तो 24 रख सकते हैं, माइनस 50, 25 और 24 49 हो जाएगा, माइनस 50, 49 का वर्गमूल 7 होगा, माइनस 50, 70 में 50 से लगे आंसर क्या होगा, 20 होगा। ये मेथड 2 है, ये मेथड 2 है, लेकिन अब मेथड आ रहा है अपना वाला, जो देखिए देख के कैसे आंसर बनाएंगे। तो आंसर तैयार रहेंगे आप लोग, कुछ जादू आने वाला है, देख के आंसर बताएंगे, देख के, मैं बता रहा था ना, देख के आंसर बताएंगे। तो बुरा मत मानिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं स्टूडेंट लोगों को नहीं, उन शिक्षकों को, कि कैसे आंसर इसका आ जाता है, देखिए कैसे इसका आंसर आ जाता है, 24। खैर तो आप लोग तो गाली देते होंगे, पता नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला बंदा को नहीं है बंदा, अभी तो ये दूसरी ही चैप्टर है, जो जो चैप्टर आप हवाबाजी करके अभी तक पढ़ाए भी नहीं है, उन चैप्टरों को जब मैं बच्चों के बीच में पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा कि क्या नहीं। मैं टोटल चैप्टर पढ़ाऊंगा, सभी बच्चे लोग विश्वास करने में तो कम नहीं कीजिएगा ना, तो आपकी विश्वास टूट जाएगी। मैं बता, ध्यान दीजिएगा बेहतरीन तरीके से, क्या मैंने लिखा, 24 लिखा, क्या मैंने लिखा, 24 लिखा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन देगा तो इसमें 25 जोड़ने पर वर्ग पक्का होगा, वही डाटा आपको क्वेश्चन देगी, अन्यथा क्वेश्चन देना संभव नहीं है। फिर मैंने क्या बोला, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है, मैं क्या बोल रहा हूं सो देखिएगा। अब गुरुजी यहां 20 दे देगा तब, क्लास में कहते हैं 20 दे देगा तब, 15 दे देगा तब, नहीं, वही संख्या देगी और वही संख्या बनना भी संभव है जिस संख्या में 25 जोड़कर हम वर्ग बना सकते हैं, कोई डाटा दूसरा दे ही नहीं सकता है, क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट हो ही नहीं सकता है, लाभ और संख्यात्मक मान कभी नहीं संभव होगा, और वही संख्या देगी जिनका हम लोग 25 जोड़ने पर वर्ग होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, क्या दिया, 24, क्या दिया, 24। दो नंबर को सोचो, क्या सोचो, दो नंबर को सोचो, कुछ भी सोच सकते हैं क्या, वैसे नहीं, हमारे तरीके से सोचो, जो मैं कहने जा रहा हूं, दो नंबर को सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ गए, ले तुरंत आंसर दिमाग में आ जाएगा, पूरा फाटी माइंड, 8 × 3 = 24, 6 × 4 = 24, रे बेवकूफ, नहीं, दो नंबर ऐसा सोचो जिनको गुना करने पर 24 हो और डिफरेंस उसका 10 हो, क्या हो, गुना करने पर 24 हो, डिफरेंस उसका 10 हो, क्या सोचोगे, बिल्कुल 12 गुना 2 सोच रहे हैं आप, तो 12 और 2 सोचेंगे, क्यों, क्योंकि कंडीशंस है, डिफरेंस होनी चाहिए कितनी, 10 होनी चाहिए, डिफरेंस होनी चाहिए कितनी, 10 होनी चाहिए, तो 12 गुना आपने 2 सोचा, बेहतर तरीके से, बिल्कुल 12 गुना 2 सोचा, क्या सोचे, 12 गुना 2 सही है कि नहीं, आंसर 20 है। तो जो छोटी संख्या होगी उसमें 0 लगा के मान लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा, सदैव ये बात को आप मान लीजिए। अभी मैं एक क्वेश्चन नहीं आपको मैं बता रहा हूं, मैं लगभग 6 से 7 डाटा देता हूं जिसका आंसर देख देख के आप लगाएंगे, और वही अभी तक एग्जाम्स में पूछा गया है, वही एग्जाम्स में अभी तक पूछा जाएगा, क्योंकि वही डाटा बनना संभव है, कॉन्फिडेंटल रहेंगे, पढ़ के जाइए और अच्छे अच्छे स्टूडेंट के पास जाकर टकरा जाइएगा, बोलना मैं ऑनलाइन पढ़ के आया हूं, वो भी एक साथ सर से पढ़ा हूं, आप ऑफलाइन पढ़े हैं, अगर हमसे भी बढ़िया कोई ट्रिक्स बताते हैं तो मैं आप ही के पास पढ़ लूंगा, मत पढ़िएगा मेरा वीडियो, मत देखिएगा, हम यहां पर अगर आपको बेहतर लगेगा आप उसको बेहतर तरीके से बताइएगा कि सर ने मुझे इस तरह सिखाया, ठीक है। अब यहां पर 24 ना देखे क्या क्या क्वेश्चन दे सकता है वो भी ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर 24 ना देखे, देखिए मैं एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड 4 मेथड जितने भी, अरे एक क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं यार सिखा नहीं दूंगा, दिमाग में पुट कर देंगे, इट इज फुटबॉल, इट इज क्रिकेट बॉल। तो यहां पे आज वैसे भी बहुत गुस्से में हूं इसलिए लग रहा होगा, तो हूं तो हूं, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब 24 को देखिएगा कि 24 में क्या दे सकता है, 39 दे देगा, क्वेश्चन में 39 दे देगा, क्वेश्चन दे सकता है 56, क्वेश्चन दे सकता है 75, क्वेश्चन दे सकता है 144, दे सकता है 96। देखिए देखते देखते आंसर
क्या आप सोचेंगे? दो नंबर सोचेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 13 क्या आंसर होना चाहिए? 0 लगा दीजिए, 30 आंसर हो गया। बिल्कुल आसान, इसलिए मैं बोलता ना मैथ्स बराबर हलवा, हलवा बराबर आपका प्रोसेस, वो मेरा प्रोसेस है। याद ध्यान दीजिए 56, 28 दुनी 56 मत सोचना भैया कहां कर, 28 और 8 के बीच का डिफरेंस बहुत है, 10 अंतर होना चाहिए, 14 6 56। आंसर क्या होगा? 0 लगाइए, 40। अगर बोलते बोलते अगर कभी कल मैं गुस्से में कुछ बोल दिया तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये हमारी स्टाइल है और ये हमारा प्यार है। मैं इसी तरह 15 5 75 15 5 75 ठीक है, तो यहाँ पे 15 5 75 होगा, तो 5 में लास्ट में हम लोग 0 लगा के आंसर मान लेंगे। अभी तक मैं बोल रहा हूं, अभी तक एग्जाम्स में इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैं सब करवा रहा हूं। 144 देगा, 144 देगा तो क्या है मानिएगा, 18 8 44 है, 8 मानिएगा, फिर मैं 80 लगा के आंसर मानिए। अब बताइए इतना क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं कि आप सीख पा रहे कि नहीं, सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे फिर से वीडियो देख लीजिएगा, नहीं सीखे होंगे फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, इतना बेहतर तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अभी हम लोग वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें क्रय मूल्य और लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान नहीं होगा, क्रय मूल्य और हानि परसेंट का संख्यात्मक मान बराबर होगा। तो हम लोग दूसरा वीडियो इसका जस्ट ही दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूं। तो अभी मैंने जैसे बताया था जब क्रय मूल्य का और लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान बराबर होगा तो, लेकिन जब यहां पे क्वेश्चंस में दिया है जब क्रय मूल्य हानि परसेंट का संख्यात्मक मान समान हो तो अब हम लोग इसे देखेंगे। तो फिर से वही लेंदी प्रोसेस एक बार मैं बता देता हूं कि जिसको लेंदी से करना है वो कैसे करेंगे। तो जैसे यहां पे कहा कि सीपी बराबर लॉस परसेंट है तो इसको आप लोग मान सकते हैं कि ये एक्स है, ठीक है। और एक चीज मैं ये भी बता देता हूं, लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य का लॉस परसेंट, क्रय मूल्य का लॉस परसेंट। तो अभी यहां पे गौर करेंगे जब बेसिक से बनाना है तो क्वेश्चन में दिया गया विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस लॉस होता है, तो विक्रय मूल्य दिया गया क्वेश्चन में 21 रुपया है तो 21 है और सीपी माने हम लोग एक्स, लॉस सीपी का लॉस परसेंट एक्स गुना एक्स बटे 100 होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए एक लिखेंगे ये हो गया 21, एक और 100 का एलसीएम 100x माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहां पे ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा 2100 बराबर 100x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा करो आप इसको उठा के सबों के इधर ले आओ क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में तोड़ना आप लोगों के लिए दिक्कत होगी, तो इसको आप लोग इधर ले आइए। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 100x माइनस प्लस 21 सो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर करेंगे, फैक्टर में है कि इनको दो ऐसी संख्या में या तो जोड़िए या तो घटाइए कि आना चाहिए 100 और गुना करने पर आना चाहिए 2100। तो हम लोग समय उतना जायज न करके -30 और -70 होगा, -30 और -70 को अगर हम जोड़ते हैं तो 100x होगा और वहां पे करेंगे 2100 होगा। तो एक्स स्क्वायर -30x -70x प्लस 2100 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा एक्स एक्स से कॉमन लेंगे 30, -70 कॉमन लेंगे एक्स -30 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से एक्स -70 एक्स -30 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 70 होगा और एक्स बराबर 30 होगी। इनके दो आंसर संभव होते हैं, अभी मैं नोट में भी आपको लिखा दूंगा, ऑप्शंस में जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके दोनों ऑप्शंस दिए रहते हैं, 30 भी दिया रहेगा 70 भी दिया रहेगा, 30 और 70 भी दिया रहेगा, उसके बाद चौथा ऑप्शन कुछ भी देगा। तो दोनों ऑप्शंस में रहेंगे, आप दोनों को आंसर मारना, ठीक है। तो ये मेथड वन था, ये जो बहुत बेसिक प्रोसेस है। अब मेथड टू में बता रहा हूं, मेथड टू वो क्या है वही 25 वाला एक बार मैं बता दूं। सबसे पहले नोट में लिख लीजिएगा, लिखिएगा नोट में लिखिए, जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान हो तो, हम हेडिंग में डलवा दीजिएगा समान हो तो, इस प्रकार के प्रश्नों में दो आंसर संभव है, मतलब लिख लीजिएगा नोट में, इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में दो आंसर आता है, होता है, लिखिए जी होता है, दो आंसर होता है। यदि यहां पे पहला पॉइंट लिख लेगा, यदि पहला आंसर, भारत के किसी भी टीचर्स का वीडियो देख लीजिएगा,
एक एक चीज में बता दे रहा हूं, एक एक नोट में बता दे रहा हूं, आपकी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो गया तो आप मेरी बदनामी है। आप अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते देख के तो वो मेरी बदनामी है। जितनी प्रोसेस होती है सब प्रोसेस में दे दे रहा हूं। अभी पहला आंसर एक्स होगा, एक्स होगा तो दूसरा आंसर 100 माइनस एक्स होगा। यदि पहला आंसर आपका एक्स होगा तो दूसरा आंसर 100 माइनस एक्स होगा। तो मेथड टू वाला देख लीजिएगा, वो 25 वाला, पहला आंसर होगा 50, फर्स्ट आंसर लिख लीजिए, फर्स्ट आंसर, पहला आंसर 50 माइनस 10 गुने रूट अंडर 25 माइनस एसपी। अब यहां पर एक चीज और कॉन्फिडेंस वाली बात है, 25 में वही डाटा दिया जा सकता है एग्जाम्स में जो 25 में घटाने पर वह संख्या का वर्ग निकालना संभव है। जैसे 21 दिया जा सकता है, 16 दिया जा सकता है, 9 दिया जा सकता है, 24 दिया जा सकता है। बस अभी तक अगर यह क्वेश्चन पूछा है तो यह चार डाटा ही दिया गया है, चार डाटा से अधिक डाटा संभव नहीं है। अगर संभव है तो वो 25 से घटाने पर वर्ग बनेगा। मान लीजिए अगर डेसिमल डेसिमल देता है तो 25 से घटाने पर वह वर्ग बनेगा, तभी वह डाटा संभव है। लेकिन अभी तक एग्जाम्स में इतने ही क्वेश्चंस पूछे हैं, चाहे वह कोई भी एग्जाम्स हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, बैंक के एग्जाम्स हो, यूपीपी यूपीएसआई, जो भी जितने भी वनडे के एग्जाम्स हो, जितने भी क्वेश्चंस को है, एमबीए तब में भी हो, तो भी डाटा यही होती है। तो यहां पर आप बैठा के देख सकते हैं, 50 माइनस 10 रूट अंडर 25 माइनस एसपी की जगह क्या है 21, 21 रखेंगे यहां पे, 25 में 21 जगह तो 4 बचेगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 50 माइनस 10 गुने 2 अगर देखा जाए, 50 में 20 घटा दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 30। मैंने यहां पे नोट में क्या लिखा है, यदि पहला आंसर क्या होगा x होगा तो दूसरा आंसर क्या होगा 100 माइनस एक्स, तो यहां पे दूसरा आंसर लिख लीजिए, दूसरा आंसर हो जाएगा 100 माइनस 30, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 70। ठीक है कि नहीं, जब 70 है, ये मेथड टू था। अब मेथड तीसरा देखिएगा, वो मेथड क्या है, वो मेथड क्या है, अभी जो मैंने बताया था, देखिए मैं उनको नहीं बताना चाहूंगा, वो टीचर जो टीचर खुद से अपने से मेहनत किए हैं वो तो बढ़िया बढ़िया ट्रिक देंगे। एक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सबसे सुपर हूं, जो जिन्होंने टीचर ने अपने कैरियर को मेहनत दिया है, जिन्होंने अपनी खुद से ट्रिक बनाई, हो सके मेरा ट्रिक्स किसी दूसरे से मैच करता हो तो वो कहीं के भी टीचर्स हो, मैं जरूर कर सकता है। अगर मेरे दिमाग और उनके दिमाग एक ही बात अगर सोच लिए होंगे तो बिल्कुल मैच करता होगा। तो ये मैं कह नहीं रहा हूं कि ये मैं उनका चोरी किया हूं, और ये वो नहीं सोचे कि ये हमने खुद से किया है। हो सके वो भी सोच सकते हैं तो मैं भी सोच सकता हूं, मानव है, कुछ भी चीज समान समान बिल्कुल सोचा जा सकता है। तो हम लोगों ने जिस तरह सोचा है मैं देखा हूं, हो सके आप भी सोचे होंगे, आप भी जानते होंगे, आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से देखिए। अभी मैंने बताया था कि कोई दो ऐसी संख्या सोचो जिनको घटाने पर, जिनका डिफरेंस 10 हो और गुना करने पर विक्रय मूल्य हो। अभी यहां पे मैं तीन क्वेश्चन देता हूं, जैसे 21 है, 16 है, 9 है, 24 है। चलिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान देंगे बेहतर तरीके से, आप लोग भी देखिए कि कैसे कैसे इसका आंसर आएगा। मैंने बोला था वहां पे दो संख्याओं का डिफरेंस 10 होनी चाहिए, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि दोनों को जोड़ने पर 10 होना चाहिए। तुरंत तुरंत सोचिए, देखिए क्वेश्चन, दोनों को जोड़ने पर 10 होना चाहिए और गुना करने पर वो संख्या होनी चाहिए। तो ये 21 है तो कौन ऐसी संख्या सोचेंगे कि वो जोड़ने पर 10 होगा और घटाने पर क्या होगा, नहीं, जोड़ने पर 10 होगा और गुना करने पर उतना होगा। तो जाहिर सी बात है आप कौन संख्या सोचेंगे, 7 और 3 सोचिएगा, तो 7 और 3 सोचिएगा, 7 और 3 सोच लिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, सोच भी नहीं सकते कितना मजा आएगा। 7 या 21, 10 यहां बैठा दीजिए, 10 यहां बैठा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देखिए जब भी क्वेश्चन में करे मूल और हानि परसेंट का संख्यात्मक मान समान देगा तो अब भी इसी तरह सोचेंगे। यहां दिया गया 16, तो कोई दो ऐसी संख्या सोचो जिनको जोड़ने पर 10 हो, तो होगा नॉर्मल्स 8 और 2, 8 और 2 के जोड़ेंगे तो 10 होगा और गुना करने पर 8 × 16 होगा, 8 और 2, ये भी आंसर, ये भी आंसर। आंसर चेक करना है, चेक करके मैं बता रहा हूं, आंसर चेक कीजिए। चलिए आंसर चेक, चेक आंसर, मैंने क्या बोला था अभी, एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। दो आंसर क्या होते हैं, अगर मैं 70 लेता हूं यहां पे, तो 70 गुने 70 बटे 100,
तो 70 में अगर 49 चला गया कितना बचेगा, 21 बचेगा, पहला आंसर चेक हो गया। दूसरा अगर 30 का आंसर हम चेक करते हैं तो 30 माइनस 30 गुने 30 बटे 100 तो ये कट गए। 30 में अगर हम लोग 9 घटा देते हैं तो भी आंसर 21 है, इसलिए यहां पर दो आंसर इसके आते हैं। अब 9 है तो 9 को कैसे सोचेंगे, 9 और 1 होगा तो 9 और 1 होगा, तो 9 और 1 एक जीरो यहां लगा दीजिए, एक जीरो अगर क्वेश्चन में यहां पे 9 देगा तो इनका आंसर 90 और 10 होगा, दोनों आंसर। यहां पर 24 दिया गया है तो 24 को आप क्या सोचेंगे, 6 और 4 सोचिएगा तो 6 और 4 सोचेंगे ए 6 होगा ए 4 होगा, यहां पर भी 0 यहां पर भी 0, ये आपका बिल्कुल आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों रात के 10:30 बज चुके हैं, अब हमने अभी जस्ट ही बताया था कि हमारे भी दो बच्चे हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि कब हमारे पापा आए, लेकिन सबसे उस इंतजार से मैं देखिए आपका कंप्लीट करके जा रहा हूं। और आपके लिए मैं बता रहा हूं कि कोशिश रहती है हमारी, अधिकांश हमारी और कपिल जी की, आपसे अधिक से अधिक वीडियो में प्रोवाइड करूं। हम लोग की कोशिश है कि मैं जून तक जो पेपर्स है लगभग हम लोग 60-70 वीडियो दे दें, डिस्काउंट इसके बाद अभी डिस्काउंट हम लोग पढ़ाएंगे। हम लोग अभी दिन को दिन रात को रात नहीं देख रहे हैं, जब भी टाइम अगर मेरे पास है, बेचारे कपिल जी साथ देते हैं, कैमरा एकदम बिल्कुल इनके स्टूडियो में बिल्कुल हम लोग दोनों जन टाइम रहना चाहते हैं। आज देखिए हम लोग 4 से 5 घंटा वीडियो बनाए हैं, लगभग 4-5 वीडियो आज हम लोग शूट किए हैं, 4-5 लेवल्स का, तो इसी तरह करके लगे हैं समझिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए सभी बच्चे को अभी तो मैं रात में जा रहा हूं जिस कारण से गुड नाइट बोलता हूं, लेकिन जब भी देखें गुड नाइट समझिए, गुड आफ्टरनून जो भी समझिए, गुड बाय समझिए, थैंक यू। आप प्लीज वीडियो को फॉरवर्डेड करते रहें, अच्छे अच्छे दोस्तों के पास पहुंचाएं, उनको भी पता चले कि आप किन से पढ़ रहे हैं, उनको भी विश्वास दिलाइए, ठीक है कि नहीं। आज के लिए सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद, ओके गुड बाय, थैंक यू।